आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम लोग वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित गायत्री महामंत्र के धियो शब्द की जो अक्षर की व्याख्या धर्म की सुदृढ़ धारणा नामक पुस्तक का सार संक्षेप सुनेंगे, जो इस प्रकार है। जो धर्म संसार का आधार है उस मार्ग पर आचरण करो, उसकी विडंबना मत करो। धर्म ही तुम्हारा एकमात्र सहायक है। धर्म ही संसार का आधार है, उसके ऊपर विश्व का समस्त भार रखा है। यदि धर्माचरण उड़ जाए तो सबको अपने प्राण बचाने और दूसरों को कुचलने की चिंता में निज दिन डूबा रहना पड़ेगा और कोई भी चैन से बैठ ना सकेगा। वास्तविक धर्म तो कर्तव्य पालन, दूसरों की सेवा, परोपकार, सच्चाई और संयम में है। दान पुण्य, धार्मिक कर्मकांड, पूजा पाठ आदि तो धर्म का एक साधन मात्र है। दूसरों को धर्माचरण से लाभ उठाते देखकर उनकी नकल करने को मत ललचाओ। कांटे से लिपटा हुआ मांस का टुकड़ा खाकर मछली की जो दशा होती है, जाल के नीचे फैलाए हुए अन्न के दानों को खाकर चिड़िया की जो गति होती है, वही दशा अनीति द्वारा लाभ उठाने वालों की होती है। इस प्रकार के मार्ग का अनुसरण करने की कोई बुद्धिमान और दूरदर्शी मनुष्य आकांक्षा नहीं कर सकता। 2 दिन पूर्व जो भोजन तैयार किया था वह बहुत ही पवित्र, उत्तम, स्वास्थ्यकारक था। 2 दिन बाद वही बासी, स्वाद रहित, नुकसानदायक हो गया। उसे यदि मोहवश खा ले तो अपने को रोगी बना लेंगे। सांप्रदायिक अनुपयोगी रीति रिवाजों की परीक्षा कीजिए और उनका वैसे ही परित्याग कर दीजिए जैसे मरे हुए कुत्ते की लाश को घर से विदा कर देते हैं। सदैव अपनी चेतना को स्वच्छ रखिए। घर के कूड़े को जैसे रोज रोज साफ किया जाता है, वैसे ही धर्म साधना के लिए अनुपयोगी रीति रिवाजों की सदैव सफाई करते रहा कीजिए। उनके स्थान पर वर्तमान समय के लिए जिन प्रथाओं की आवश्यकता है उनकी आधारशिला आरोपित करने के लिए साहसपूर्वक आगे कदम बढ़ाया कीजिए। सद्धर्म का संदेश है कि हे ईश्वर के प्राण प्रिय राजकुमारों, अपने अंदर पवित्रता, निर्मलता और स्वच्छता का प्रतिक्षण स्थान देते रहो। इससे तुम्हारे अंदर ब्रह्म तत्व जागृत होगा, ऋषि तत्व उदय होगा। ईश्वर की वाणी तुम्हारी अंतरात्मा का स्वयं पथ प्रदर्शन करेगी और बताएगी कि इस युग का क्या धर्म है। इसी को वेद या आकाशवाणी कहा जाता है। धर्म अधर्म का निर्णय करने के लिए अपने सद्बुद्धि का निष्पक्ष होकर निर्भय उपयोग किया कीजिए। अपनी सद्बुद्धि पर विश्वास करके उसी की सहायता से आज के लिए उपयोगी रीति रिवाजों को स्वीकार कीजिए। यही सच्चा धर्म है। मनुष्य की सामाजिक सामूहिक मनोवृत्ति और सहायता करने के स्वभाव ने ही शिक्षाएं, स्वास्थ्य, संस्कृति, विज्ञान, शिल्प आदि अनेक दिशाओं में मनुष्य को बढ़ाया है। विवाह, कुटुंब, जाति, संप्रदाय, राष्ट्र, सभा, सम्मेलन, संगठन आदि इसी मनोवृत्ति के आधार पर बने हैं। मनुष्य के भीतर जो असुरता, स्वार्थ पर्दा हर घड़ी फूटती रहती है, उसे नियंत्रित करने के लिए घाट, बांध, नहर आदि की तरह नैतिक दैवी भावनाओं के नियंत्रण स्थापित करने पड़ते हैं। यह तंत्र जब तक मजबूत रहता है, लोग एक दूसरे के प्रति अधिक उत्तम व्यवहार करते हैं। त्याग प्रेम का परिचय देते हैं। फलस्वरूप मन प्रसन्न, सामाजिक व्यवस्था कायम रहती और भौतिक उन्नति भी होती है। हमें स्मरण रखना चाहिए कि मनुष्य के व्यक्तिगत और संसार की सामूहिक सुख शांति उनकी अंतरात्मा में निवास करने वाली सामूहिकता पर, एक दूसरे के लिए त्याग और सहयोग करने की भावना पर ही निर्भर है। कोई मनुष्य धर्मात्मा है या नहीं, इसका पता उसके आसपास रहने वालों के प्रति उसके व्यवहार से अपने आप लग जाता है। किसी भी व्यक्ति का धर्मात्मा होना
जप तप और पूजा पाठ से नहीं नापा जा सकता। जहाँ अपने चारों ओर की सोचनी अवस्था को सुखमय दशा में परिवर्तन करने की भावना मौजूद है, वही धर्म का सच्चा स्वरूप है। यथार्थ में धर्म के दो अंग होते हैं, एक तो नित्य अथवा अपरिवर्तनशील और दूसरा अनित्य अथवा परिवर्तनशील। सदाचार या सद्गुण तो नित्य धर्म है, उन सद्गुणों के अनुसार बर्ताव करने, इन गुणों को बढ़ाने का प्रयत्न करने और आपस में व्यवहार करने की विधियां समय समय पर बदलती रहती हैं। जब किसी धार्मिक कृत्य से सद्गुणों के बदले दुर्गुण बढ़ने लगे तो वह त्याज्य हो जाता है। इसलिए फिर से सार धर्म के उपदेश और नवीन धार्मिक विधियों के प्रचार की आवश्यकता होती है। ऋषियों ने श्रम विभाग रूप चातुर्वर्ण्य संस्था इसलिए चलाई थी कि समाज के सब व्यवहार सरलता से होते जाएं, किसी एक विशिष्ट व्यक्ति या वर्ग पर ही सारा बोझ न पड़ने पावे और समाज का सभी दशाओं से संरक्षण और पोषण भली भांति होता रहे। यह बात भिन्न है कि कुछ समय के बाद चारों वर्णों के लोग केवल जाति मात्रोपजीवी हो गए, अर्थात धर्म के सच्चे स्वरूप को भूलकर वे केवल नामधारी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या क्षुद्र हो। जो लोग अपने शरीर में संचार करने वाले पशुत्व का यज्ञ करके कृत्य कृत्य सफल होते हैं, उन्हें ही सच्चा याज्ञिक कहना चाहिए। धर्म को मनुष्य ने बहुत ही बड़ी वस्तु माना है। छोटे मोटे सुखों को त्याग कर और कष्टों को अपना कर भी वह धर्म के लिए प्रयत्नशील रहता है, क्योंकि लाखों वर्षों का अनुभव यह सिखाता है कि धर्म की रक्षा करने से अपनी रक्षा होती है। गौ पालन, तुलसी स्थापना, गंगा स्नान, तीर्थ यात्रा, एकादशी व्रत, ब्रह्मचर्य आदि कार्यों को धर्म माना गया है। गाय पालने से दूध, गोबर और बछड़े मिलते हैं। तुलसी अनेक रोगों को दूर करने वाली औषधि है। गंगा के जल स्वास्थ्य सुधार के लिए उपयोगी हैं। तीर्थ यात्रा में देशाटन के अनुभव, सत्पुरुषों का सत्संग और वायु परिवर्तन होता है। एकादशी व्रत रखने से 15 दिन का कब्ज पच जाता है। ब्रह्मचर्य से शरीर बलवान रहता है। इन लाभों की आकर्षक शक्ति ने ही मनुष्य को धर्म के साथ बांध रखा है। जनता जिन लोगों का पेट पालती है, जिनके जीवन की रक्षा करती है, उन्हें भी उचित है कि बदले में जनता की रक्षा का कार्य करे। यही तो धर्म है। विद्या, स्वास्थ्य, धन, प्रतिष्ठा, पवित्रता, संगठन, सच्चरित्रता या 7 महाबल माने गए हैं। इन 7 बलों को अपने पास एकत्रित करना धर्म कर्तव्य समझकर सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए। वे ही कार्य धर्म ठहराए जा सकते हैं जिनके द्वारा हमारा व्यक्तिगत और सामूहिक बल बढ़ता हो, सुख बढ़ता हो और आत्मरक्षा की क्षमता प्राप्त होती हो। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस पुस्तक को पूर्ण पढ़ने हेतु डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर